हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आज की हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक हमने बैग मंगाया है, स्कूल बैग बोल सकते हैं, लैपटॉप के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं या कोई भी सामान, उसको हम ओपन करेंगे। चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसकी जो अनबॉक्सिंग हम करने वाले हैं, ये बॉक्स जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अमेज़ोन से हमने मंगाया है। सबसे ऊपर ये कवर है जो बायोडिग्रेडेबल पेपर बोल सकते हो, या फिर ये काफ़ी अच्छा पेपर है जिसमें ये पैक करके देते हैं। ये बैग आप देख सकते हो, ये इसका जो कलर है, आप लाइट ब्लू बोल सकते हो, इसमें मिक्सिंग है, डार्क ब्लू भी है। तो इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। तो ये दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं और आपको, चलिए इसको आराम से थोड़ा ओपन करते हैं। और ये 22 लीटर का है, मतलब आप बोल सकते हो क्लास 10 to 12th के बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा है। और इसमें 22 लीटर इसकी कैपेसिटी है। ये लगभग 800 के आसपास मिलकर स्काई बैग का है। और बैग देख सकते हैं, इसकी चैन वगैरह, इसमें एक चैन ये है आपकी सबसे ऊपर वाली, इसके अंदर आप पेंसिल, पेन और छोटे मोटे बॉक्स वगैरह रख सकते हैं, कोई छोटा मोटा सामान। ये जो है ये फर्स्ट चैन है, इसके अंदर कॉपी को भी आप बुक वगैरह रख सकते हैं या छोटे मोटे कपड़े भी रख सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो एक ये मेन चैन है जिसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान यहाँ रख सकते हैं। तो चैन की जो क्वालिटी है वो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक ठाक है, अच्छी है। बैग की क्वालिटी, अंदर कपड़ा जो है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि स्काई बैग का है, ब्रांडेड है, कंपनी अच्छी है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये आपको मतलब कलर काफ़ी मस्त है इसका। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये चैन जो है उसकी काफ़ी अच्छी है। ये साइड से जेब वगैरह है और ये बैक साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का है। और इसका जो कलर है काफ़ी प्यारा कलर लग रहा था, इसलिए मैंने इसको मंगाया है। और यहाँ पर आप देखें तो चैन काफ़ी स्मूथ है इसकी, है ना। और इसके अंदर जो कपड़े हैं, इसके अंदर जो कपड़े का जो वो क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर है। तो इसमें तीन चैन है, एक मतलब थ्री आप बोल सकते हो, इसके अंदर जो है वो जेब्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा बैग है, ये आप देख सकते हैं और आप चाहें तो इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा।